सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लव 96 ईयर। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग नहीं बोल सकते क्योंकि अनबॉक्सिंग तो मैंने ऑलरेडी कर दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनबॉक्स होके आया था। तो कुछ उसकी कंडीशन ऐसी थी, आप देख ही लो, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इसके लिए मैंने उसका अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ बनाया नहीं, तो डायरेक्टली मैं वो पार्ट आपको असेंबल करके दिखा दूंगा, मतलब लगा के गाड़ी में दिखा दूंगा। और स्पेशली ये वीडियो हमारे पल्सर 220 वालों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे 220 वाले ये ढूंढते हैं कैरियर, या फिर टॉप बॉक्स कैरियर बोलते हैं करके पहचाना जाता है, या फिर टूरिंग सेटअप करके पहचाना जाता है, तो ढूंढते। बट ये पार्ट किसी को मालूम ही नहीं कि पल्सर 220 के लिए भी बन रहा है एक्चुअली। मतलब ये 220 के लिए डिज़ाइन नहीं है, ये है बजाज डोमिनर के लिए। और मैंने बजाज डोमिनर का पल्सर 220 में सेट किया बिना किसी मतलब वेल्डिंग के या कटिंग के। तो ये पार्ट बिना किसी वेल्डिंग के और कटिंग के पल्सर 220 में एज इट इज़ फिट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको डायरेक्टली मैं वो दिखा देता हूँ, और वो दिखाते दिखाते आपसे मैं बात करता हूँ। ओके गाइस, हम नीचे आ चुके हैं। कुछ इस तरह का ये पार्ट है, इसको कैरियर करके बोलते हैं या फिर टॉप बॉक्स कैरियर करके बोलते हैं। तो ये है वो कुछ, और ये डिज़ाइन है डोमिनर के लिए। तो इसको हम यूज़ करने वाले पल्सर 220 में। तो आप देख सकते हो कि ये है जो ओरिजिनल वन, और ये है हम लगाने वाले आफ्टर मार्केट। तो इसमें फ़र्क ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है टोटली फ्लैट, ये टोटल फ्लैट आता है ऐसा चप्पट, और इसमें आप देख सकते हो तो इसका ये वाला जो साइड है थोड़ा ऊपर है। ओके, तो ये ऊपर है, और आप इसमें देख सकते हो कि वो ऊपर होने की वजह से यहाँ पे एक डिप है और एक ऊपर है। तो आपको इस खड्डे को भरना पड़ेगा लाइक ये रबड़ के पैकिंग से, इसको वॉशर करके भी बोलते हैं। तो ये वाला, और इसको मांगने के लिए आपको दुकान में, हार्डवेयर के किसी भी दुकान में बोलना पड़ेगा आधे का वॉशर, कुछ इसका नाम उन्होंने वैसा रखा हुआ है आधे का वॉशर। तो आधे का वॉशर मांगोगे तो आपको ये मिलेगा, और एक जो है वो आपको मोटा वाला लेना है, और बाकी के पतले वाले। कुछ है वो पतले वाले जो हम आगे के साइड यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जो ये ऑरेंज वन है, ये वाला ऑरेंज वन, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि ये लेवल हो। इसमें मैंने पहले ये लोखंड वाला डाल के देखा था, ये वाला। तो ये वाला गलती से भी मत डालना, अगर ये वाला आप डाल रहे हो तो ये आपके फाइबर को साइड से कट कर देगा और ये अंदर ढीला रहेगा। आपको ये जगह फील करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप भूलना मत इस चीज़ को भरने का। ओके, नहीं तो ये खड्डे में वैसे ही रहेगा तो कट जाएगा, या फिर टोटल अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। और आपको इसके लिए 11 से 12 साइज़ का पाना लगेगा, कुछ इस तरह का लेना जिससे ये आप रोल घुमा सकते हो। तो मैं आपको दिखा दूंगा फिटिंग के टाइम पे। तो ये आपको एक चीज़ लगेगी, दैट्स इट। तो ये आप खुद कर सकते हो घर पे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसकी फिटिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज, इसमें ये ऑरेंज वाला जो मैंने डाला है पैकिंग, उसके ऊपर और एक मैं डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा रहे, क्योंकि मैं फाइबर तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं दोनों साइड एक एक एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ। गाइस, सबसे एमपी चीज़ ये बोल्ट सारे टाइट करते हुए, आपको एक साइड के पूरा टाइट या फिर बाद में दूसरा साइड का पूरा टाइट ऐसे नहीं करना है। तो थोड़ा 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 करके टाइट करते 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 देन आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप एक साइड का पूरा टाइट कर रहे हो देन उधर का बाद में कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि नीचे का पार्ट पूरा फाइबर है, तो ये ब्रेक हो सकता है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस है। तो ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा, फिर ये थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना, देन ये प्रॉपर अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो फाइनली गाइज, इसका पूरा फिटिंग अच्छे से हो चुका है। तो मैंने ऊपर के साइड में भी वॉशर्स डाले थे ताकि किसी भी तरह का मतलब वाइब्रेशन का आवाज़ ना आए। तो ऊपर से भी मैंने अच्छे से चारों इसमें पैकिंग डाली हुई है,
तो आप भी इस तरह से डालिएगा, और नीचे का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आप कीजिए। जहाँ तक कि मैं अभी इसके रिव्यू के बारे में कहना चाहूँगा कि क्वालिटी गुड है, ठीक ठाक है मैं बोलूँगा इसकी क्वालिटी। 500 रुपये में और क्या मिलेगा, तो 500 रुपीज़ ओनली, और ये फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ डालना है कि डोमिनर कैरियर करके, तो डोमिनर का अगर आप कैरियर डालोगे तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो ये 220 में अच्छे से फिट होता है। अगर ये 220 में फिट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पल्सर 150, 180, ओल्ड वाला 200 और 220 और डोमिनर, इन सारे मॉडल्स में फिट हो जाएगा अच्छे से। ये आराम से 3.5-4 किलो का वेट तो आराम से ले लेगा, और इसके ऊपर आप टॉप बॉक्स भी लगा पाओगे। इसमें एक प्लेट आती है, वो प्लेट लगाने के बाद के शॉप पे आया हूँ, जहाँ पे गाड़ी का रिस्टोरेशन होता है। तो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है जिसका रिस्टोरेशन चालू है, टाइम लग तो आपको आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाई देगा। तो आज का वीडियो जो हमने बनाया है वो आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे के रिस्टोरेशन का जो है रॉयल एनफील्ड का कुछ चल रहा है, तो बने रहिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए।